आज दो मिनट में आप कहो तो मकान बनाने की कला भी सिखा दूं कि ना सिखाऊं? जल्दी बोलो, नहीं तो नहीं सिखाऊंगा। तो मकान बनाना सिखाना आया है तुम्हारा कि तुम्हें जिंदगी जीने सिखाया है? ये मेरे से मकान बनवाओगे तुम, फिर कहोगे खेती करना सिखाओ, उधर चना काटो चल के। फिर भी दो मिनट में बता देता हूं, मकान बनाना मेरा काम नहीं लेकिन बता देना जरूरी है। जब मकान बनाया करो तो सड़क से थोड़ी जगह छोड़ करके एक बाउंड्री खींचा करो। बाउंड्री 4 फीट ऊंची 5 फीट ऊंची, उस बाउंड्री में जगह जगह थोड़ा डिजाइनदार छेद बना दो ताकि हवा पास हो। उस बाउंड्री से फिर 10 फीट 15 फीट, अगर ज्यादा जगह है तो 20 फीट 30 फीट छोड़ दो, फिर मकान बनाओ। अब बाउंड्री में गेट रखो तो गेट थोड़ा बाउंड्री को टेढ़ा करके अंदर रखो ताकि गाड़ी मुड़ के अंदर आ जाए तुम्हारी। और पर्याप्त जगह है तो बाउंड्री के साइड में 15 फीट का रास्ता दे दो, पीछे चला जाए। और फिर मकान बनाइए, मकान के पीछे 50 फीट जगह छोड़ दीजिए, उधर भी बाउंड्री पूरी खींच दीजिए। और पीछे ट्रैक्टर ट्राली घास भूसा पैरा धान गेहूं चना वो सब पीछे ले जाओ, भैंस गोबर नांद बैल जानवर सब पीछे। सामने तुम्हारे साफ सुथरा रहना चाहिए। और वहाँ एक दो पेड़ लगाइए हरे भरे छाया के लिए, 10-20 कुर्सी डाल दो, अपनी कार खड़ी कर दो, पास में मोटरसाइकिल खड़ी कर दो, मेहमान आए उसके बैठने के लिए खुला बरामदा भी रखो, वहाँ बैठ कर उसको चाय पिलाओ, फूल पौधे लगा दो, उसको देखे, तुम्हारी कार को देखे, गाड़ी को देखे, साफ सफाई देखे, मकान की सुंदरता देखे। मकान के आगे जब जगह खाली रहती है तो मकान देखने भर की जगह मिलती है, और मकान सड़क पर सट के बना दिया तो मकान देखने की जगह ही नहीं, मकान कौन देखेगा। उसके बाद नीचे बनाइए, अगर मीडियम फैमिली है 3 कमरा नीचे बनाओ, 1 में सामान और 2 में मेहमान और 1 लेट बाथ किचन। नीचे फैमिली मत रखो, सामान और मेहमान नीचे। दूसरी मंजिल पर फिर 3 रूम लेट बाथ किचन, 1 में तुम रहो और 2रे रूम में आवश्यक सामान रखो और 3रा रूम खाली रखो, कोई तुम्हारे पत्नी की बहन वहन आ जाए, साली आ जाए या सराहज आ जाए या कुछ समधी लमधी आ जाए तो उसको सेट कर दो। और लेट बाथ किचन, 3री मंजिल पर 2 कमरा लेट बाथ किचन, ऊपर बड़ी बहू को रख दो 3री मंजिल पर। 4थी मंजिल पर 1 कमरा लेट बाथ किचन, छोटी बहू को रख दो और छोटे बहू और छोटे बेटे को ऊपर रख दो, जगाने मत जाओ, सोने दो। और जब इच्छा हो उनकी तो 4थी मंजिल से उनको कूद जाने दो, लफड़ा खत्म। कूदना नहीं है, कूदाना भी नहीं है तो हंसने के लिए कह दिया हूं, पर वहां 4 मंजिल का रखो, अलग अलग मंजिल, अलग अलग किचन, अलग अलग शौचालय। और यदि गांव में जहां तुम्हारी जगह है कम है तो उसको बेच दो, गांव के बाहर जहां जगह हो खरीद लो कहीं, बड़ा जगह में बनाओ मकान। गांव की घुसड़पंच में मत घुसो, वहां किचपिच मचा हुआ है, खाम खा सब चकराचुंध मचा रखा है, ना गाड़ी जा सकती ना बैलगाड़ी जा सकती, क्योंकि वहां तो सब बहुत झगड़ा बवाल है, दूर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, पूरा मकान बेच दो, वहां की जगह हटा दो, बाहर आ जाइए। और यदि गांव में जमीन नहीं है बिल्कुल तो सब बेच करके सिटी में चले जाइए, कहीं रोड किनारे लेकर नीचे मंजिल 2री मंजिल मार्केट पूरा बना दीजिए, 3री मंजिल पर घर बनाइए, हर महीने में 2 लाख महीना किराया आएगा, सेठ जी कहलाइए, सेठ जी बन जाइए, ऐसा विकास करिए। कोई जरूरी नहीं काशिमपुर में ही रहूं, काशिमपुर के भागलपुर चला जाऊंगा, गोराडी ही निकल जाऊंगा, बिजनेस में जुट जाऊंगा, जब यहां जमीन नहीं तो यहां लखड़ में क्यों फंसू मैं। ऐसा विकास करो। और याद रखना, दारू कभी मत पियो, जुआ मत खेलो, क्रोध मत करो, अपनी पत्नी को पीटो मत,
घर को बर्बाद मत करो और पति पत्नी लड़ाई मत करो, प्रेम से रहो, गम खा लिया करो, अहंकार न दिखाया करो। बिहार में भी पति पत्नी बहुत लड़ते हैं, भारत देश में कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहां पति पत्नी में, बहुत कम परिवार ऐसे हैं जो प्रेम से रह लेते हैं। वह परिवार मनुष्य रूप में नहीं है, देवी देवता के रूप में है, जिनके घर में पिता पुत्र में, भाई भाई में, पति पत्नी के बीच, सासू बहू के मध्य में वाद विवाद नहीं होता है, प्रेम की गंगा बहती है। वो परिवार देवी देवताओं जैसा परिवार है और वहीं पर लक्ष्मी का निवास रहता है। प्रेम का जीवन में कितना महत्व है। आज यहां पर ये हजारों लोग लगभग 8,000 नर नारी इकट्ठे हो चुके हैं। यहां पर ये पधारे हैं तो ये प्रेम के जंजीर में बंध कर आए हुए, आपको प्रेम ही यहां लेकर आया है और मुझे भी नेपाल बॉर्डर उत्तर प्रदेश से आपका प्रेम खींच कर लाया है। कभी कभी समागम करते करते ऐसा मन में हो जाता है कि अब थोड़ा आराम करूं, लेकिन जब आप सभी का प्रेम देखता हूं तो फिर मन में होता थोड़ा और प्रोग्राम करूं। 1-2-3 मार्च को हम बॉम्बे में थे, 4-5-6 मार्च सासाराम में हम आ गए, 3 मार्च को रात में 11 बजे सत्संग बॉम्बे का समाप्त हुआ और 4 मार्च को सासाराम में प्रारंभ हो गया। सोचिए, हवाई यात्रा करना पड़ा। 28 फरवरी को हम नेपाल बॉर्डर यूपी लखीमपुर थे और 28 को शाम को स्वागत बॉम्बे में हो रहा है। ऐसा लगता खुद का एरोप्लेन उड़ाना पड़ेगा। इधर से उधर बहुत लंबी यात्राएं हैं और 10 मार्च तक कासिमपुर काशी नगरी है, यहां समागम होगा और 11 को ममलखा में स्वागत है 2 घंटे का, और शाम को 5 बजे पहुंच करके सनोखर में शोभा यात्रा 5 से 7-8 बजे तक, और 12 तारीख से फिर बिगुल बन जाएगा प्रवचन का। 12-13-14 मार्च सनोखर में प्रवचन है। उसके बाद कहाँ कहाँ है बिहार में याद भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के गांवों के नाम भी थोड़ा हमारे लिए बहुत कठिन लगते हैं, तो मैं उसको कोई झिकली बोलता, कोई झिंझिल बोलता, याद नहीं रहता। अब याद करूँगा फिर बताऊँगा कहाँ कहाँ प्रोग्राम है। लेकिन आपके बिहार में, आपके भागलपुर काशीपुर में मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि आप सबका प्रेम और शालीनता देख करके खुशी हो रही है कि वास्तव में सत्संग का मेला देखना है तो भारत देश की पवित्र भूमि बिहार में आइए और सत्संग का मेला देखिए कि सत्संग में मेला लगता है। और इतनी आस्था से लोग आते हैं, बड़े दानी मुनि लोग हैं यहाँ, ये बिहार साधारण नहीं है, दान भी करते हैं। मैं कितने भक्तों को देखता हूँ ये मंडप में बधे हुए दान डिब्बा में अपना दान अर्पित कर देते हैं। ये दान ज्ञान के प्रचार में और गौशाला की सेवा में भेजा जाता है। कितने श्रोताओं को देखता हूँ आरती का दर्शन करते समय आरती की थाल में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वो भी दान गौ सेवा में लगा दिया जाता है। यहाँ आने की छूट मिल गई आज तो कितनी भीड़ हो गई। आयोजक बंधु कह रहे थे गुरुदेव यहाँ मत बुलाओ, बहुत भीड़ हो जाएगी, प्रवचन के लास्ट में बुलाना, अभी बंद करा दो। सबके मन में होता है बिहार दानियों में दानी है, ज्ञानियों में ज्ञानी है, और बिहार
एक ऐसा प्रदेश है जहां भारत देश के सभी प्रदेशों में इतने कलेक्टर आईएएस अफसर नहीं है जितने ज्यादा बिहार के आईएएस अफसर कलेक्टर हैं। यहां बुद्धिमान लोग भी बहुत हैं।